मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए 8,46,931 पीएम आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। इससे लाखों गरीब परिवारों को उनके सिर पर छत का सपना साकार होगा। प्रदेशवासियों के लिए खुशी का दिन है। सीएम साय बुधवार को मीडिया से बात कर रहे थे। सीएम हाउस में साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसे 5 सालों में ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इसे रोक कर रखा था, जिसके चलते 18 लाख से अधिक गरीब परिवार पीएम आवास योजना से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि योजना में मोदी का नाम था, उनको इसका श्रेय न मिले, इसलिए गरीबों का हक छीना गया था। सीएम साय ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40% जमा नहीं किया था। हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को ही शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को हमारे पहले कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत की गई। तो सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवास योजना को लेकर, आवास को लेकर क्या कहा है। पीएम जनमन योजना जो बीबीटीजी लोगों के लिए है, विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जैसे कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, पंडो, बैगा, इनके लिए जो पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें 24,064 ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बहुत पूर्ण भी हो चुके हैं। और आप लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस की सरकार ने जब विधानसभा का चुनाव आया तो ये आवास योजना का शुरुआत किया था, जिसमें 47,090 लोगों की स्वीकृति दी थी उन्होंने, और एक किस्त भी जारी किया था 25,000 का। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हुए उनको भी अपने आवास योजना में शामिल कर लिए हैं और दूसरी किस्त जारी कर दिए हैं और तीसरी किस्त भी उसमें जारी कर रहे हैं। तो ये उदारता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन 47,090 लोगों के ऊपर में भी किया है। और पिछले जनवरी से लेकर ये अगस्त तक ये 8 महीने में 1,99,000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। इस तरह से कुल मिला के हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात कही थी, वो 18 लाख आवास गरीबों को हमारी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है।